हेलो यूट्यूबीज, जय माँ वैष्णो, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ़ केयर के बारे में। हम बोलते तो हैं सेल्फ़ केयर करनी है, सेल्फ़ केयर करनी है, और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है। क्या पर हम असलियत में जानते हैं कि सेल्फ़ केयर क्या है? सेल्फ़ केयर सिर्फ इतना नहीं है कि आप सुंदर दिखें या आप वो चीज़ें करें जिससे आप खूबसूरत लगें। सेल्फ़ केयर का असली मतलब है अपने शरीर को वो सारी चीज़ें देना जो वो चाहता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। खाने का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए चीज़ों को लेकर कि आप क्या इनटेक कर रहे हैं। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें रखिए जिससे आप अंदर से भी स्ट्रांग रहें, और जो आपका मन है जो चंचल हो जाता है या हर बात पर ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, उन सारी चीज़ों पर भी कंट्रोल हो। खाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल्फ केयर में। अगर हम अंदर से ही स्ट्रांग नहीं होंगे, अंदर से ही अच्छा नहीं महसूस करेंगे, तो बाहरी हम कोई भी चीज़ कर लें हम अच्छा नहीं कर सकते। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं? यहाँ मैं बना रही हूँ पास्ता, ये मैदे का नहीं है, सूजी का है। शाम के समय मैंने ये बना रखा है, शाम के टाइम पे मतलब इवनिंग स्नैक्स सा भी हो जाता है, भूख लगती है 6-7 बजे करीब, तो ऐसा सोचते हैं जिससे रात का डिनर भी खा पाएँ भरपेट और 6-7 बजे वाली भूख भी बंद हो जाए। तो मैंने पास्ता बनाया है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करा है। आप भी शाम के टाइम पर ऐसी कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो और आपके रात के डिनर की भूख भी ना मरे, ठीक है। गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द डे। आपको तभी तैयार नहीं होना है जब आप कहीं जा रहे हैं, या आपसे कोई मिलने वाला है, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तभी तैयार हुए। आप अपने लिए तैयार होइए, घर में रहने के लिए तैयार होइए। आप नोटिस करिएगा कि आप कभी भी तैयार होते हैं ना, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, अंदर से ही आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत ही ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी सेल्फ़ केयर जर्नी में। तो अपने आप को तैयार करिए, वो ड्रेसेस, वो कलर्स पहनिए जो आपको अच्छे लगते हैं, बिंदी लगाइए अगर आपको अच्छी लगती है, जैसे मुझे बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मेरा सेल्फ़ केयर है। किसी को बिंदी लगाना नहीं अच्छा लग सकता है, तो वो उनकी चॉइस है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत मैटर करती है आपके कामनेस के लिए। जितना साफ और जितना शांत आपका आसपास का माहौल होगा, उतने ही शांत आप अंदर से बनते जाएंगे। मेरा तो एक ही जगह है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा शांति महसूस होती है, वो है मेरा मंदिर, मेरी माता रानी के पास। यहाँ मैं बहुत ही शांत महसूस करती हूँ। आपके घर में भी ऐसा कोई भी जगह हो सकती है, आपके मंदिर के पास हो सकता है। आप ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पीस महसूस होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। Say no to others and yes to self-care. अपने लिए किसी चीज़ को मना करना गलत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी कोई चीज़ कर रहे होते हैं, इतने में अगर हमारा फ़ोन बज जाए तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं और फ़ोन पर लग जाते हैं कि ये काम तो बाद में कर लेंगे। और ऐसे ही ऐसे ऐसे करके हमारी ये आदत इतनी पक्की बन जाती है कि हमें आदत हो जाती है हमेशा अपने आप को पीछे करने की। तो हमेशा सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। अपने आप को सब चीज़ों के आगे रखिए। यहाँ मैं अपनी फेवरेट नेल पेंट लगा रही हूँ, जिन्हें मैंने सिर्फ 3 नेल्स में लगाया है, बाकी 2 नेल्स खाली छोड़े हैं। ये मेरा तरीका है सेल्फ केयर का, मुझे ही अच्छा लगता है। एग्जांपल से आपको बताती हूँ, किसी को हाथों में शेव करना अच्छा लगता है, क्लीन रहना, और किसी को बालों से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो दोनों ही उनके अपने अपने तरीके के सेल्फ केयर हैं।
आपको किसी दूसरे की तरह बनने की या उनका रिजीम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप किस चीज़ में अपने आप को अच्छा मानते हैं, आप वो चीज़ करिए, वही आपका सेल्फ केयर है। और एक्सरसाइज तो आप लोग जानते ही हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही एक्सरसाइज करने का मन हो, और जिस दिन आप एक्सरसाइज ना करने का मन हो उस दिन आपका सेल्फ केयर छूट गया। नहीं, जिस दिन शरीर को रेस्ट चाहिए उस दिन उन्हें रेस्ट भी दीजिए, वही आपका असली सेल्फ केयर है। शरीर को वो देना जो उसे चाहिए। आपका मन ना हो तो आप छोटी मोटी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। रीडिंग तो वैसी ही बहुत अच्छी आदत है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। रीडिंग आप जितना करेंगे ना, जितना आप पढ़ेंगे, चीज़ों को जानेंगे, आप उतने खुले रहेंगे। तो इसलिए ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जो आपके सेल्फ हेल्प इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प करें, ताकि आप अपनी ओर बढ़ते रहें। बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मोटिवेट करती हैं चीज़ों को करने के लिए। तो जितनी हो सके बुक्स पढ़िए, अपने आप से प्यार करिए, अपनी एक्चुअल सेल्फ केयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।